वीडियो देखने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स आने वाले हैं। और वीडियोज के अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अबे टेरर साले तू बच गया था क्या? टेरर को मारना इतना आसान नहीं है बेटा, और यही बात आज मैं तुझे समझाने के लिए भी आया हूँ। मेरी बात ध्यान से कान लगा कर सुनना, आज के बाद हमारे किसी भी काम में टांग अड़ाई ना तो अच्छा नहीं होगा बेटा तेरे साथ। लगता है फिर तो अपनी मौत लेकर आया है आज तो तू मेरे साथ में यहाँ पर। जो खुद मरने आ गया दोबारा, उस दिन डायरेक्ट खत्म ही कर देता तो अच्छा रहता तेरे को। उस दिन मार देते तो ठीक रहता, ये बात सही बोली, क्योंकि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मेरे को कुछ किया ना तो तेरा ऐसा राज मेरे पास है जो पूरे BGMI को पता चल गया ना तो तू खत्म है बेटा, खत्म। कैसा राज? मेरा कोई ऐसा कोई राज नहीं है जो किसी को नहीं पता। काला दी गैंग से शेर की तरह रहता है, जंगल में खुले शेर की तरह, समझा? मेरे बारे में सबको सब पता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? वो राज भी पता है क्या सबको? बच्चा, डिवोर्स, वीकेंडी में। चुप, एकदम चुप, आगे एक शब्द भी मत बोलना। तुझे कैसे पता चला ये सब? यही तो टैलेंट है मुझ में, जो किसी और में नहीं। बड़ा ही चुपके चुपके क्लच मारते हो। अब देख लेना पंगे लेने हैं क्या नहीं, सब समझ आ ही गया होगा तुमको। तो अभी मैं चलता हूँ, वो क्या है ना, किंग भी तो बनना है ना BGMI का, तो बिजी हूँ थोड़ा, चाय कॉफी नहीं पीऊंगा आज, फिर कभी मिलते हैं। कलाबोस, इसको कैसे पता चली ये सब बातें? हमारे अलावा किसी को नहीं पता ये सब कि ये मेरा बेटा भी है, और काली से डिवोर्स हो चुका है मेरा, तो इस साले को कैसे पता चल गया ये सब? ओ शिट, काली भी तो वीकेंडी में रहती है और ये भी। तभी मैं सोचूं, अब समझ आया सारा गेम, इसने काली को देखा होगा वहां पर। पर भाभी तो घर से बाहर ही नहीं जाती, हमारे बंदे नजर रखते हैं ना उन पर वहीं पे वीकेंडी में छुप के। पहले तो भाभी बोलना बंद कर उसे, जो उसने किया था ना मेरे साथ उसके बाद उसके नाम से भी नफरत हो गई है मुझे। वो तो मेरा बेटा, उसके साथ रहता है जिसके लिए उसके साथ कॉन्टेक्ट है मेरा, नहीं तो कब का आर पार कर देता उसका सीन। अब क्या करना है फिर इसका? ये गब्बर के दम पर इतना कूद रहा है ना क्योंकि उस पर पावर्स आ गई है। अब हम उस गब्बर को मारेंगे पहले, और फिर उसको देखेंगे तड़पता हुआ, अपने आप मरेगा धीरे धीरे, तब उसको समझ में आएगा काड़ा दी गैंगस्टर से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। पोसाइडन आ गए तुम, अच्छा किया। तुमको मैं बता दूं, अब हमारी गैंग में बस तू और एवलॉन्च ही बचे हैं जिनको सब आगे संभालना पड़ेगा। कैसे सबको हराओगे? बाबा जी बस आप मुझे पावर्स दे दो, सबकी छुट्टी कर दूंगा मैं, और साथ में अब तो एवलॉन्च भी बहुत ताकतवर हो चुका है, अब तो हम सबको आराम से हरा देंगे। फैरो और ब्लड रेवन मिल चुके हैं अभी, वो दोनों जब तक साथ हैं हम नहीं हरा सकते उनको। अभी हमें बस अपनी गैंग को बढ़ाने और किंग बनने पर फोकस करना पड़ेगा। फिलहाल जैसी पावर्स मुझे दे रखी है उस सिल्वेंस ने, उससे तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता मैं। मुझे कुछ बढ़िया चीजें सिखा दो अब, और फिर देखना मेरा कमाल। तुम लोग रहते ही अलग अलग हो क्या? घंटा ट्रेनिंग दूं तुमको? तब सिल्वेनस इसलिए ही तो मरा था, वो अकेला था वहां पर। अगर तू साथ होता तो वो ब्लड रेवन हमला करने की सोचता भी नहीं, पर नहीं, तुमको तो अलग अलग रहना है सबको। अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, और जो होने वाला है उस पर ध्यान दो, हमें किंग बनना है BGMI का, चलो जल्दी। तुमको अपने सारे स्नाइपर्स अब मेरे कैसल में भेजने होंगे, उनको वहीं आसपास गिली सूट पहनाकर खड़ा कर दूंगा जिससे किसी को वो दिखे ना, फिर हम तैयार है उनको मारने के लिए। अब की बार गब्बर और टेरर दोनों को मार दूंगा, कसम है मुझे मेरी बेटी की। पहले तो तुम बोल रहे थे छुपके मारूंगा दोनों को और तब सबके सामने निकल कर आऊंगा, अब तुम्हारे विचार बदल गए बहुत जल्दी। अभी वो लोग कैसल में नहीं है इसलिए यही सही मौका है उन पर हमला करने का। चलो चलकर जल्दी कब्जा कर लेते हैं वापस अपने कैसल पर, वहां पर वीकेंडी की गद्दी भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी।
हाँ हाँ चलो, मैं स्नाइपर को लोकेशन भेज देता हूँ, वो सब तैयारी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनली अपने महल में आकर कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं में तो मजा आ गया। सब सिपाहियों को बुलाओ, सेनापति इधर चलो, प्लान कैसल पर वापस कब्जा करना शुरू करते हैं। महाराज जी, अरे तू यहाँ, और सब सिपाही कहाँ हैं? सेनापति क्या हो रहा है ये, कुछ बोलो तो, तुमने तो कहा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं बताता हूँ ससुर जी, सब प्लान मुझे पहले ही पता चल गया था, मैंने उस दिन सबको बदल दिया जिस दिन सेनापति ने फोन किया कि हम नहीं है यहाँ पर। वो क्या है ना, खबरियों के भी खबरी होते हैं, पता है क्या आपको? अच्छा ऐसा है तो मार दे अब मुझे भी, अकेला खड़ा हूँ तेरे सामने, अपने सीने पे गोली खा के मरूंगा, ऐसे नदी में फेंक कर मरने वालों में से नहीं हूँ मैं। हम भी टस से मस कहाँ, और इस सूखे हुए गन्ने में रस कहाँ। आपको मारकर करेंगे भी क्या हम, जाओ मजे करो अभी कैंडी में, जो आपको चाहिए हम देंगे, चिल करो, बस दोबारा अगर हमें मारने का सोचा भी तो बात वहीं पलट जाएगी ससुर जी। जैसे आपकी बेटी को मरवाया वैसा अब हमें ना करना पड़ जाए आपके लिए, ध्यान रखना ये बात। चलिए 9:00-11:00 हो जाइए अभी यहां से, कन्ना चूस के। लीजिए ओवरलॉर्ड जी, पहुंच गए फेरो के घर पर, यहीं रहता है वो, बाहर बुलाऊं क्या उसको आवाज देकर? नहीं, क्या जरूरत है आवाज देने की, यहीं तो हूं मैं। अच्छा आ गया तो चल मिल ले ब्रेम्बल ओवरलॉर्ड जी से। फेरो, अबे ये तो सच में जिंदा है, यहाँ कैसे आया तू बता, मैंने तो तुझे जिंदा दफन किया था एंशिएंट टेंपल में। अरे ओ चीचा, मैं तो जानता तक नहीं आपको, हो कौन आप? और मैं कोई एंशिएंट में दफन वफन नहीं हुआ था, कहीं पे भी नहीं हुआ मैं तो ऐसा, मैं तो अपनी मेहनत से एक्सूट बना था, और एंशिएंट से तो मेरा लिंक बस उतना ही था कि वो एक्सूट एंशिएंट का था बस वही। झूठ बोल रहे हो तुम मरने से बचने के लिए, बेटा दोबारा तुझे मैं वैसे ही मारूंगा जैसे पहले मारा था, और वहीं पर दफन करूंगा ले जाकर। यार जब मैंने बता ही दिया मैं था ही नहीं वहां पे, तो क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग, और हो कौन तुम पहले ये तो बताओ, क्या ओवरलोड ओवरलोड लगा रखा है, पहले तो कभी नहीं देखा तुमको, तुम बताओ पहले कौन हो, फिर दिखाता हूँ मैं अपनी पावर। ब्रेबल ओवरलोड, मैं वही हूँ जिसने तुझे जिंदा दफन किया था बहुत पहले, पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा तू जिंदा कैसे हो गया। भाई सुन, पहले वहाँ जाकर चेक कर ले तू जहाँ मुझे दफन करने को बोल रहा है, फिर बात करना यहाँ पे, मैं यहीं मिलूंगा तुझे, जा चेक तो कर ले। अच्छा ये भी कर लेते हैं, चलो सभी चलेंगे वहीं पर, तुम सबको दिखाऊंगा कैसे मारा था मैंने और कहाँ पर दफन किया था इसको, तो सब साफ हो जाएगा और तुझे दोबारा खत्म भी कर दूंगा मैं। तुम जाओ, मुझे और भी बहुत काम है यहाँ पर, निकलो चलो, यहीं मिलूंगा मैं, टेंशन मत लो, चाहे तो इस सफेद कपड़े को यहीं पे छोड़ दो मेरे पास। ठीक है यही करते हैं, गब्बर तू मेरे साथ चलना, और तुम यहीं पर रहना, इस पैरों पर नजर रखना, इसके साथ रहना, बहुत चलाक है ये, हम अभी आते हैं। अबे टेक्नो ये कहाँ ले आया बे तू हमें, यही है क्या वो इंसेंट वाली जगह है जहाँ से सब आ जा रहे हैं आजकल? हाँ बॉस यही है, मैंने सब डाटा निकाल कर पता लगा लिया कि कैसे क्या होगा इधर, चलो आओ मेरे साथ दिखाता हूँ आपको कुछ। देखो यहाँ से सामने से ऊपर जाना है अपने को, और ऊपर है फेरो की कब्र जहाँ फेरो को जिंदा दफन किया गया था ब्रेम्बल ओवरलोड नाम के विलन के द्वारा एशियन टाइम्स में। हम सब उसको आजाद कर देंगे जिससे वो खुश होकर हमको पावर्स दे देगा, फिर हम सबसे पावरफुल हो जाएंगे। अबे मेरे मन की बात छीन ली बे तूने तो। अबे भाग भाग, फेरो जिंदा हो गया, ये तो हमें मार डालेगा, निकल ले बेटे जल्दी यहाँ से, कूद के निकलो कहीं से भी।
भाई चल इधर से कूद जा, इधर आ जा, नहीं तो दोनों मरेंगे आज तो। चल निकलते हैं यहाँ से। फैरो जिंदा हो गया वापस। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नए हो तो। और बस यही था, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और कौन सा करेक्टर आपका सबसे फेवरेट है, आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, तो ये सब कमेंट करके सजेशन वगैरह दे दिया करो भाई, मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय टाटा। थोड़े बहुत ब्लॉपर्स देख लो और वीडियो में आना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। I'm rich.